जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत सामान्य कक्षा दसवीं का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है तृतीयः पाठः महर्षि दयानंदः। के विषय में इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति ही संसारस्य पुरातन संस्कृतेषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय अनेक महापुरुषा भारते अवतीर्य एताम अस्मदेशीयाम संस्कृति श्रेष्ठतया चरम सीमाम नीतवंतः। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में जन्म लिया। एताम अस्मदेशीयाम संस्कृति श्रेष्ठतया चरम सीमा नीतवंता। यह हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गई। महर्षि दयानंदा तेसु प्रधानतमा उन नायका आसीत। उनमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख उन नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितं प्रस्तुयति। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादशी दिनांके चतुर्विंशति उत्तर अष्टादश शततमे ईस्वीय वर्षे अभवत। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी अर्थात 12/2/1824 में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूल शंकरा आसीत। इनका जन्म का नाम मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीय जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गतः। जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई। वर्ष त्रिय अनंतरम चास पित्रो अपि देवम गतः। और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृह अन्येषु जनेषु बिल्पस्सु अयम संसारस्य अनित्यताम विचरन। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए इन्होंने संसार को अनित्य न स्वर पर विचार करते हुए कैसे मुझे अमर होना चाहिए। कथम अमरो भवेयम कैसे मुझे अमर होना चाहिए। इति चिंतया मास। एकस्मिन् दिने मूल शंकरा सहसैव स्वगृहम अत्यजत। एक दिन मूल शंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। ततो असहु देशात देश अनंतरम विचरण व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणी विशेषतः योग पद्धति चा आशिक्षत। उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेकों शास्त्र विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती साकात संन्यासं ग्रहणात् तदा एषा दयानंद सरस्वतीति नामनः प्रसिद्धः जातः। घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। तब यह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए।
अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञा चक्षुषः स्वामिनः बिरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि आशिक्षत। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी बिरजानंद से अनेक शास्त्र सीखे। विद्या समाप्तौ गुरुस्तम आदिशत वत्स, विद्या की समाप्ति पर गुरु ने उनको आदेश दिया। वत्स देशो अयम अस्माकम् विद्या अंधकारे पतितो वर्तते, तत गच्छो पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, इसलिए जाओ। आ विद्यांधकारम अपनाय अस्त्र शास्त्राणी उद्धाराय वेदिक ज्योतिषः च पुनः प्रकाशयः, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। ऋषियों द्वारा चरित शास्त्रों का उद्धार करो और वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंदो अपि गुरु आज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणाम आशिष्यं च गृहीत्वा एतत् देशवासिनः मानवान् आविद्या अंधकारात् उद्धाराय कार्ये क्षेत्रम समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। गुरु आज्ञाम पालनाय देश समाजयो उन्नतहि निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडों मूलनाय वेदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देश बभ्रमाय, आडंबर दिखावे को दूर करने के लिए और वेदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। समाज की गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयतत। महर्षि ने विधवा स्त्रियों दलित वर्गों और गांवों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वतंत्रता भावना भी प्रथमे नैव महर्षीणाम अस्माकं हृदयेषु जागृतः, और स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन महर्षियों के द्वारा हमारे हृदय में जागृत हुई। नाना विधानी दुखानी सोडया वापी नायम कर्तव्यम विमुखो जातः, अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी यह कभी अपने कर्तव्य से नहीं हटे। एनस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तः, जिससे इन महापुरुष की ख्याति चारों ओर फैली। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, इनका विशेष संदेश था कि यत जनः वेदान प्रत्यगच्छेयु, कि लोग वेदों की ओर लौटे। ऋग्वेद आदि भास भूमिका सत्यात् प्रकाश
संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचितः। ऋग्वेद भाष भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए हैं। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 30 अष्टादश सप्तमी 30/10/1883 ईस्वीय वर्षे एषा भौतिक शरीरम विहाय यस्य शरीरेण अमरो अभवत्। अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 30/10/1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यस्य रूपी शरीर से अमर हो गए। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचार्यस्य च मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम् सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका चरित सदा भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। एतादृशः महात्मानः सर्वदा वंद्यः अस्मरणीयाश्च भवन्ति। इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। बच्चों, ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।